दिल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हरप्रीत जी आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए और कब आप इस सेशन में आए पहले तो थोड़ा ये बता दीजिए हम। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई एम हरप्रीत अरोरा फ्रॉम इंदौर। आई एम एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। आई एम इनटू पब्लिक स्पीकिंग सिंस लास्ट 3 years एंड public speaking is into my veins because I wish to be on the stage always because it was my mission to change the world as I love to be positive and just want ki ye duniya mein positivity hi ho, koi bhi negative na soche aur mera yahi mission rehta hai ki koi bhi negative situation ko positive tarike se hi dekhna hai, har negativity mein se positivity search karni hai. I have been reading secret book since last 6 years. I love the book और gratitude को मैं बचपन से follow करती थी unknowingly because मेरी मम्मा हर काम करने के पहले God को याद करती थी और काम पूरा हो जाने के बाद thank you करती थी। पंजाबी में we are पंजाबी तो वो शुक्राना करती थी, तो it was into my living since my childhood. तो वैसे ही मुझे thank you करने की बहुत आदत थी बचपन से। मेरी मम्मा मुझे खाना खिलाती थी उसके बाद भी मैं उनको थैंक यू करती थी कि थैंक यू मम्मा आपने इतना यमी फूड बनाया और मुझे इतने प्यार से खिलाया। तो इट वाज इनटू माय प्रैक्टिस सिंस चाइल्डहुड। और मैं स्कूल जाती थी तो आई यूज टू गो बाय ऑटो, तो मैं ऑटो वाले अंकल को एवरी डे उतरने के बाद थैंक यू करती थी। तो आई यूज टू फॉलो ग्रेटिट्यूड सिंस चाइल्डहुड और सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद मतलब मैं और ज्यादा फॉलोअर बन गई हूँ ग्रेटिट्यूड की। So I have been using this into my public speaking. I have my YouTube channel जिसमें मैं gratitude को ही main purpose मान के उसी पे videos बनाती हूँ। Wow, oh, nice to talk to you and really मैं आपको काफी late invite किया, मुझे मैंने message नहीं देखा था क्योंकि मैं इससे पहले मेरी सर से बात हुई थी but मैंने group में group को open नहीं किया क्योंकि इतने message होते हैं हमारे पास, sorry. So इसके लिए थोड़ा आपको लेट हमने इनवाइट किया। ये तो बहुत, आप इस जर्नी में हमारे साथ कैसे कहां से जुड़ पाई? हम एक्चुअली पुष्पिंदर जी हैं, शी इज इनटू योर ग्रुप आई सपोज, तो शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज हमने पब्लिक स्पीकिंग साथ में किया था। तो शी वाज, मैं मतलब सेशंस के दौरान भी बहुत ग्रेटिट्यूड यूज करती थी सर को, तो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आपकी ग्रेटिट्यूड की शेयरिंग दे सकते हो बिकॉज यू आर इनटू ग्रेटिट्यूड। और मैंने मैजिक बुक के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, तो हम लोग रेगुलरली टच में हैं। वो अपनी शेयरिंग्स बताती हैं कि आज ये मैजिक हुआ, तो मैं अपनी शेयरिंग बताती हूँ। तो शी जस्ट वॉन्टेड कि मुझे एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी शेयरिंग्स देनी चाहिए जिससे कि और लोगों को भी पता चले और मुझे भी कुछ सीखने को मिले आप लोगों से, बिकॉज यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग लाइक एनीथिंग। आपके मेडिटेशन में आई वाज ब्लोन अवे। वाओ, थैंक यू। एंड रियली मैं मतलब मैं बिल्कुल कहूंगी कि आपका तो मतलब शुरू से ही ये लाइन ही थी, बट हम लोगों की लाइन ना होकर हमने जैसे ग्रेटिट्यूड को पकड़ा और अपनी लाइफ में उसको लेकर आए, तो कैसे ये लाइन हमें मतलब अपने आप अट्रैक्ट कर गई, वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कहता है, तो वो कैसे क्रिएट होगा। और आज रियली आई फील सो गुड, आई एम ऑल्सो पंजाबी एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़, सो आई फील सो मतलब एक वाइब्रेशन फील हो रही है आपके साथ। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, तो आप अश्विन मैम के सेशंस को भी करती हैं या आपने राजन सर को ही फॉलो किया? नहीं सॉरी मैम, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती, आई एम जस्ट इनटू रीडिंग बिकॉज़ एक्चुअली रीडिंग बुक्स वाज माय हॉबी
सिंस चाइल्डहुड बिकॉज हमारा जो घर जिस लोकेलिटी में था इट वॉज अ बिजनेस एरिया तो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर आउटसाइड टू प्ले तो आई वॉज लाइक बुक्स वर माई बेस्ट फ्रेंड जब भी मैं अकेली होती थी तो आई वॉज रीडिंग बुक्स तो मैंने धीरे धीरे सीक्रेट मतलब मुझे किसी ने गिफ्ट की थी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बुक है यू शुड रीड इट तो मुझे गिफ्ट की थी ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स अगो तो वो मैंने पढ़ी उसके बाद अभी कोविड टाइम में मुझे पता चला कि मैजिक भी बहुत अच्छी बुक है देन आई परचेज्ड इट और फिर मैंने मैजिक बुक को कितनी बार पढ़ी है आपने मैजिक बुक मैम ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत बार पढ़ी है मतलब आई डोंट रिमेम्बर द नंबर पर ये है कि मैं लाइन वाइज नहीं पढ़ती हूँ जो टॉपिक मुझे लगता है कि नीड ऑफ द आर है तो वो टॉपिक मैं खोलती हूँ और पढ़ लेती हूँ तो कई बार मतलब मेरे सामने ही पड़ी रहती है जिस दिन मुझे लगता है कि आई फील लो मुझे एनर्जी की जरूरत है या फिर जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे रिलेशंस में जरूरत है तो आई ओपन दैट चैप्टर एंड आई रीड तो ऐसे मैं हर टॉपिक को कई कई बार पढ़ चुकी तो मतलब विजन बोर्ड वगैरह आपने सब कुछ बनाया हुआ यस 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 एवरीथिंग वाओ मतलब वही आपके तो वो कहते हैं ना डीएनए में ही है वो चीज यस तो आई रियली मैं इतना ही कहना चाहूंगी और बट मैं आपको एक बार जरूर कहूंगी अगर आप एक पब्लिक स्पीकर भी हैं और आप इतनी बार इस चीज का इतना क्लोज है तो एक आश्विन मैम का मैजिक बुक का लिंक जरूर लें और एक बार किसी टाइम भी आधा पौना घंटा उनका पर डे के हिसाब से 30 days जरूर कर लें मतलब सर, आपकी एनर्जी का लेवल आई एग्री बट वो कहते हैं ना प्रैक्टिस में का मैम ने जिस लेवल में उसमें प्रैक्टिस की है ना आपकी आपको खुद को फील होगा कि आपका लेवल और कहां जाकर आगे निकल गया मतलब मैं इसलिए आपको पूछना चाह रही हूँ आई एग्री कि आप इस चीज में काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो ये होता ही है जिस इंसान का जो एरिया होता है ना उसको अपने आप वो चीज अपने आप अट्रैक्ट होती जाती है yes, 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 very true. तो वो यू आर अ मैग्नेट सो यू अट्रैक्ट दैट थिंग्स वो ही अट्रैक्ट होगी आपके पास बट हमें कहीं से कुछ और अच्छा मिल रहा होता है ना तो हमें ले लेना चाहिए नहीं नहीं इट वुड बी माय प्लेजर टू जॉइन हर उनको सुनना लाइक आई वुड लर्न समथिंग मोर एंड मोर यस मतलब उनकी जो ग्रिप है आज हम अगर मैजिक बुक मैं भी आई थिंक 40 to 50 टाइम्स मैं करवा चुकी हूँ तो मुझे खुद को आज भी उस मैजिक बुक को पढ़ के ही लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता जब भी मैं उसके सामने अपने आप को सरेंडर करती हूँ ना तो एवरी टाइम मतलब कुछ पोर्टल्स निकलते हैं उसमें से और अंदर इतनी खदान है उसमें क्योंकि वो दैट इज अ सोल फॉर्मेशन बुक जो मुझे जहां तक समझ आया है और कुछ अलग ही ओपन होता है उससे तो मतलब मैं एक बार कहूंगी जरूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा आप कुछ अलग लेवल में और पहुंचेंगे क्योंकि सभी मास्टर हैं बट कहते हैं ना किसी चीज में कोई आगे और किसी में आप yes, yes. और बताइए आप अपने सपनों के बारे में कैसे काम करती हैं मैम एक्चुअली आई टेल यू ऑनेस्टली कि मेरे जो भी सपने होते हैं वो सभी पूरे होते हैं बिकॉज मेरे सपनों की शुरुआत ही थैंक यू से होती है लाइक अभी मुझे इस सेशन में आना था तो मैंने पहले से ही थैंक यू कर दिया था गॉड को कि थैंक यू आई हैड अ ग्रेट सेशन तो मेरे सारे काम अपने आप हो जाते हैं एंड वन मोर थिंग वेरी ऑनेस्टली लाइक गुरु नानक देव जी इज माई फादर मैं उनको अपने फादर की तरह ही ट्रीट करती हूँ उनकी पिक मेरे सामने ही रहती है ऑलवेज और मुझे कोई भी बात करनी होती है या मुझे लड़ाई भी करनी होती है मुझे मेरा कोई काम नहीं हो रहा होता तो मैं बोलती हूँ यू आर माय फादर यू हैव टू डू इट और अभी तक क्यों नहीं हुआ आप ध्यान नहीं रखते हो क्या मेरा तो आई टॉक टू हिम एंड एक्चुअली मेरा काम हो जाता है तो मेरा काम होने के पहले आई एम प्रिपेयर्ड की यस थैंक यू इट्स डन एंड आई राइट एवरी डे कोई भी चीज मैं मैनिफेस्ट करती हूँ तो एक्चुअली वो हो जाती है एंड इवन ये चीज इट इज इन माय ब्लड बिकॉज माय किड्स आर आल्सो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड वो लोग भी रोज रात को थैंक यू लिख के सोते हैं अपने टीचर्स को पेरेंट्स को ग्रैंड मदर को और टू ऑल द स्टेशनरी दे आर यूजिंग द टेबल दे आर सेटिंग एंड स्टडिंग तो मुझे टचवुड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मैं थैंक यू करके ही सारे काम करा लेती मैं गॉड को बोलती मैंने थैंक यू कर दिया अब आप संभाल लेना God is always there. Wow, wow. So, मतलब यही कहना चाहूंगी मैं कि देखिए ये ग्रेटिट्यूड के साथ जीती हैं और इनकी जिंदगी अपने आप में ही किस तरह से उस एनर्जी को अपने आप क्रिएट करके इन्होंने अपने आप को कितना इस चीज में और डीप डीप करके एक अलग लेवल दिया है अपना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो फिर शुरू मतलब आफ्टर दैट और इंक्रीज 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 होता ही चला गया होगा
यस मतलब अब जैसे कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है, लाइक माय हस्बैंड ही इज अ होटेलियर, तो किसी दिन वो बोलते हैं कि आज बिजनेस में थोड़ी सी थोड़ा स्लो है, थोड़ा लो है, तो आई जस्ट से कि यू राइट ग्रेटिट्यूड, थैंक यू टू द कस्टमर्स, एंड जस्ट इमेजिन दैट देयर इज अ ब्लो और यू विल फील आफ्टर फ्यू मिनट्स. तो मैं यहाँ से प्रे करती हूँ, वो वहां से ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, और एक्चुअली इनका 10-15 मिनट बाद कॉल आ जाता है कि दो तीन बड़ी बड़ी टेबल्स आ गई हैं, कोई 15 मेंबर्स की है, कोई 20 की है, तो थैंक यू सो मच ही सेज. तो व्हाट आई बिलीव इज, जो मैंने आज तक सीखा है कि हमें भरोसा होना चाहिए. अगर भरोसा नहीं है, भले वो गॉड है, यूनिवर्स है, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपका भरोसा नहीं है तो आपका काम कभी नहीं है. अगर आपको भरोसा है तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व होगी, बिकॉज गॉड इज लिसनिंग टू यू. हम जैसे हम अपने बच्चों की बात सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी सुनते हैं, तो गॉड इज द फादर ऑफ एवरीवन, ही इज लिसनिंग टू यू. तो आपको विश्वास होना चाहिए दैट ही इज लिसनिंग टू यू. तो मैं बस प्रे करती हूँ कि गॉड आपने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो नाउ इट्स योर ड्यूटी, प्लीज टेक केयर ऑफ अस. तो सच्ची में वो मेरी बात सुन भी लेते हैं, और मतलब मेरे साथ तो हर मोमेंट पे मैजिक होता है. एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक बार तो लाइक इट वॉज वेरी हॉट एंड आई वाज कुकिंग इन द किचन, तो मैंने ऐसे कुकिंग के टाइम बोला कि यार कितनी गर्मी लग रही है, एंड एक्चुअली आफ्टर अ सेकेंड इतनी अच्छी हवा चलने लगी, तो मैंने कहा थैंक यू गॉड आप कितने अच्छे हो. तो ऐसे छोटे छोटे मैजिक, कभी बच्चों की बस लेट हो जाती है तो आई जस्ट से कि अगर 2 मिनट बाद भी आएगी तो चलेगा, देख लेना थोड़ा, आई जस्ट से टू गॉड. और एक्चुअली 2-4 मिनट लेट ही आती है बस. तो ऐसे रेगुलरली रूटीन में आई जस्ट प्रे कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो ही जाता है. तो आई से थैंक यू, आई थैंक नेचर, आई थैंक प्लांट्स, आई लव प्लांट्स. मेरे घर पे जितने भी प्लांट्स हैं, मैं उनको रोज सुबह हग करती हूँ, और रात को सोते टाइम उनको हग करके थैंक यू करती हूँ कि आप रात भर हमें ऑक्सीजन देने वाले हो, आपकी वजह से हम लोग जिंदा हैं. एंड आई थैंक नेचर फॉर एवरीथिंग, बिकॉज नेचर की वजह से ही हम हैं. तो आई लव एवरीवन एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. आपने ये क्या बोलते गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़े हुए? नहीं, मैंने गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा है, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा और रिलीजियस होना पड़ता है. पर हाँ, मेरी मम्मा है, शी इज रीडिंग इट, तो जब भी कोई बात होती है या जब भी हम मिलते हैं, तो वो जो जो सीखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, तो वो हमें रेगुलरली बताती रहती हैं कि आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सीखा. तो हम लोग इनडायरेक्टली वी आर इनटू इट. मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उससे ये लग रहा था, तब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया. हमारा सौभाग्य है कि अभी हमने अश्विन मैन के साथ गुरु ग्रंथ साहब को पूरा ड्रिल किया है, और अब हम दसम द्वार पे मैम करवा रही है, तो बस सुनते हैं. एंड रियली वी फील सो 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 ब्लेस्ड कि हम इस नॉलेज को ले पा रहे हैं. अपने आप में ये ग्रंथ मतलब बहुत कुछ है. एंड रियली में सब जो हम ये मैजिक बुक ये यहाँ पे सीक्रेट में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ उधर है, सेम वही चीज है. बस वही कहते हैं ना, जैसे भगवत गीता भी, उसमें भी ये सब कुछ है, बट हम लोगों को सिंपल इंग्लिश में, इंग्लिश राइटर्स का समझ आ गया, पर अपने आध्यात्मिकता में समझ नहीं आया. बट आज समझ आ रहा है कि ध्यान ही कहीं और था पहले. सो जैसे ही उसको केंद्रित किया तो सब कुछ ओवरकम, सब कुछ सामने आ रहा है. सो ग्रेट. एंड और कोई आपकी कोई शेयरिंग है, कुछ आपने और शेयर करना है? मैं यही शेयर करना चाहती हूँ और यही सिर्फ कहना चाहती हूँ दैट गॉड इज एवरीवेयर, ही इज लिसनिंग टू यू. आपको बिलीव करना है, और आपको आपकी फैमिली में इस थैंक यू को, इस मैजिक को जनरेट करना है. आपको विश्वास दिलाना है सभी को दैट यस, मैजिक इज देयर, मैजिक होता है और मैजिक है, और इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सभी के लिए सब कुछ है. वी शुड नेवर बिलीव, जैसे कि हमने बचपन से सुना है कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, या ये चीज हमारे बस में नहीं है, हम इसके लायक नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बिकॉज यू नेवर नो कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है. हम अगर भगवान से मांगते हैं, हम बहुत थोड़ा मांगते हैं क्योंकि हमारी मुट्ठी बहुत छोटी है, बट ही इज गिविंग अस विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स. तो वी शुड ऑलवेज बिलीव, वी शुड ऑलवेज लव ईच अदर. बहुत बहुत सारा प्यार इस दुनिया में है. हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि दुनिया बुरी है, ये बुरा है, वो बुरा है. हर इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां होती, इट्स अपॉन अस कि हम उसे कैसे देखते हैं. जब हम
नॉन लिविंग थिंग्स को फील कर सकते हैं, तो फिर इंसानों को क्यों नहीं फील कर सकते हम? जब हम लाइक व्हेनेवर आई राइट आई से थैंक यू टू द पेन. मैंने कितने ऑनलाइन कोर्सेज किए, तो आई यूज टू राइट अ लॉट एंड आफ्टर एवरी क्लास आई से थैंक यू टू द पेन कि तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना नॉलेज मिल रहा है. आई एम कलेक्टिंग द नोट्स जो मुझे लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ पेन एंड पेपर. तो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को इतना प्यार कर सकते हैं तो हम इंसानों को क्यों नहीं, हम क्यों मतलब हम उनको थैंक यू क्यों नहीं कर सकते, हम कंप्लेन मोड में क्यों हैं? वी शुड नेवर बी, बिकॉज एवरी लिविंग बींग इज डिफरेंट. हर किसी में अलग अच्छाई होती है. जरूरी नहीं है कि जो आप में अच्छाई है वो सामने वाले में भी है. तो जो सामने वाले की अच्छाई है उसको एक्सेप्ट करो, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द कंप्लेंट्स, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रॉन्ग थिंग्स, उसको अगर हम छोड़ के अगर उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है कि दुनिया को हम बहुत बेहतर बना पाए. तो ये सब हमको मिलके करना है, एंड दैट इज ओनली माय मिशन टू स्प्रेड हैप्पीनेस पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड. बिकॉज मेरे हिसाब से नेगेटिविटी कुछ नहीं, इट्स ऑल आवर माइंडसेट. हम नेगेटिव देखते हैं तो दिखता है, नेगेटिव है नहीं, हम बुरा देखते हैं सामने वाले को. एक ही घर में हो सकता है चार लोग हैं, तो किसी एक से हमारी नहीं बनती. क्यों? क्योंकि हम उसमें अच्छाई देख ही नहीं रहे, हम देखना ही नहीं चाहते. तो अच्छाई इस दुनिया में हर तरफ अच्छाई, इट्स अपॉन अस, वी हैव टू फाइंड पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड. तो मेरे हिसाब से जो मैंने बचपन से हर किसी को मैं बोलती थी, बहुत छोटी सी थी तब से, दैट देयर आर थ्री गोल्डन वर्ड्स इन दिस वर्ल्ड, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज. ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिससे आप दुनिया को जीत सकते हो. तो इनको मैक्सिमम यूज करो, जितना ज्यादा आप यूज करोगे आपके साथ अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा. थैंक यू, सो नाइस. गुरु ग्रंथ की एक लाइन मुझे बार बार याद आ रही है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पाए. तो वो प्रभ इस फोन में भी है, उस पेन में भी है, और इस इंसान में भी है. तो बस हमें तो उसको ढूंढना है और हमें सब कुछ मिल जाएगा. जहां पर भी आपने प्यार डाला, वो चाहे फूल पे डाला चाहे पत्थर पे डाला, वहीं से आपको उस प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और आपको वो दे जाएगा जो आप देखते रह जाओगे कि ये कहां से मिल गया. सो थैंक यू टू ऑल, एंड थैंक यू मैम हरप्रीत जी. आपने बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड आप इस सेशंस में आते रहे, अपना जादू बिखेरते रहे, और मैं आपको फिर से वेलकम करूंगी. एंड रियली में थैंक यू आपने आज के सेशन की कहते हैं ना शान बना दी. सो थैंक यू सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. टाइम भी काफी हो चुका है. सो थैंक यू ताराचंद जी, एंड थैंक यू टू ऑल फॉर सपोर्टिंग अस. थैंक यू वेरी मच. हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान.